तो यहाँ पर हमारी मामी आ चुकी है जी। हमारी दीदी को तो आपने पहले व्लॉग में देखा ही होगा। आदित्य का पहला दिन है नया घर और अपने पूर्वज को सभी को हम लोग मिठाई या दही चूड़ा प्रसाद चढ़ाएंगे। यहाँ नजर आ रहा है चूड़ा। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए व्लॉग में। अगर आप जिया के चैनल के वीडियो को देखते रहते होंगे तो जिया ने उसमें डिस्कस किया था जी कि मम्मी की जो है भाभी आने वाली है। हाँ जी, मम्मी की भाभी आ चुकी है, वह हमारी मामी हुई। चलते हैं आपको उन लोगों से मिलवाते हैं। तो यहाँ पर हमारी मामी आ चुकी है जी। हमारी दीदी को तो आपने पहले व्लॉग में देखा ही होगा। जब आई थी वह छठी के अवसर पर, रक्षाबंधन के अवसर पर गए थे। उन्हीं की मम्मी है यह। मेरा सौभाग्य है जो मेरे पिताजी का रिलेशन है, भगवान उसको अभी यहाँ भेज दिया, जिसको हम लोग आज तक मेंटेन कर रहे हैं। ता उम्र मेरी भाभी यहाँ अपनी बेटी को देखने आए। कम से कम इतर में इतना जरूर होगा, एक बार ननद को देखने। अच्छा, ननद से पहले है, बेटी तो बाद में है, पहले मेरी ननद। अच्छा, ननद का बेटी से ज्यादा वैल्यू है। आई तो मेरे भतीजी है और भगवान हमारे गर्भ से बेटी नहीं दिए, ऊपर वाले की कृपा है। भतीजी बेटी को आ गई, जब तक हम जिंदा रहेंगे उसका मायके बना, नहीं बाद में भी बना रहेगा, उसका कोई बात नहीं है। भगवान को बरकत दे, हमेशा बना रहेगा। बिल्कुल, अच्छा खासा समय बिता करके जी तो फाइनली विदा हुई है हमारी दीदी और मामी। तो चलते हैं। दुर्गंज के रिश्ता से तो वो लोग तो विदा हो गई हैं जी। अब सीधा चलते हैं अंदर। और कुछ खरीदारी भी करना था ना। खरीदारी, दही चूड़ा खरीदना। पहले डैडी से पूछ रहे थे अगर दादी के यहाँ मिल जाता है। दही मिलेगा उनके यहाँ? दौरा तो दौरा भी तो लेना पड़ेगा। दौरा हमको लगता है जब तुम परेशान होंगे कल, तो दौरा कल भी ला सकता है। दौरा और डाली का सारा खर्चा लेके हमारा। कल भी बारिश हो जाएगा, कोई ठीक है? सबसे बड़ा दिक्कत यही बारिश का होगा। कोई ठीक है? ठीक है। जब कते बजे? 7 बजे से ना। 7:30 बजे चले जाते हैं। 7:30 क्या सोच रहे हैं? वो बात ले आते हैं। सब जीते रहता मिल जाए। समय कौन उठेगा? तब ले आएंगे। ले आते हैं सब। नहीं मिलते तो जोरल लेके आएंगे हम, दही जमाएंगे घर। तो जी फाइनली बारिश हो गई खत्म। और बारिश का जो इंतजार कर रहे थे हम लोग कि कब खत्म हो, बहुत ही लंबा हो गया वह इंतजार। बारिश की वजह से ही जो है प्रियांश को जो वैक्सीन लगना था वह भी नहीं लग पाया, और जो जितिया के लिए खरीदारी करनी थी वह भी नहीं हो पाया। तो अभी बारिश फिलहाल जो है खत्म है। समय बलवान है और समय से पहले और भाग्य से अधिक न किसी को मिला है न मिले। पहुँच गए जी मार्केट और चल रही है यहाँ पर खरीदारी। जिया उधर ले रही है झींगा, साथ में जो भी चीज लेना है लेंगी। वो आधा किलो गाजर ले लो, आधा किलो खाजा ले लो, आधा किलो गाजर आता। अंकल आप अपना दुकान पर्व त्योहार में खोलते हैं क्या? ज्यादा बराबर आती बंद रहता, 1 से 4 बंद रहता है। 4 घंटा उधर, 4 घंटा मतलब 4 से 8। यहाँ की दुकान का रसगुल्ला हमको बहुत पसंद है लेकिन बंद रहता है बराबर। 1 से 4, 4 बजे से 8 बजे खुला रहता है। किलो नहीं है क्या? 6-9 बजे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रात में बनेगा। चना बात सही है। थोड़ा टिकरी भी लेना होगा। आप लोग YouTube पर आ रहे हैं? एक बार दुर्गा पूजा में साइड। दुर्गा पूजा में आए थे आपके दुकान पे? लगभग हमारी हो गई जी सारी खरीदारी। दुर्गा पूजा में भी हम लोग यहाँ पर आए थे, तो भाई साहब को याद था कि आपको दुर्गा पूजा में भी आए थे, हमें ध्यान है। क्योंकि होता क्या है जी, जब भी कैमरा कहीं घुमा रहे होते हैं, कई बार जो सामने वाले हैं उनको लग रहा होता है कि आखिर क्या कर रहे हैं, तो बता देते हैं कि भैया यूट्यूब चैनल है। जब यहाँ बता देते हैं तब उनको भी लगता है चलो कोई बात नहीं, वरना सोचने लगते हैं कि आखिर कौन है ये लोग, आखिर क्या कर रहे हैं। हो गया सारा लिया हुआ? हाँ, हो गया, भर गया मेरा हाथ। बस चूड़ा चाहिए ना अब? हाँ। कुछ सामान दे दो हमको, हम पकड़ लेते। इसमें डालिए ना इसको। बस बचा है जी चूड़ा लेने के लिए, जिसको आप लोग पोहा भी बोलते हैं वही लेते हैं। ऐसे पूछ लो रेट। तो हमारी हो गई लगभग सारी खरीदारी। लगभग नहीं सारी हो, अब पूरी खरीदारी हो गई है। तो अब ऐसा करते हैं कि अब चलते हैं सीधा घर। समय भी हो चुका होगा लगभग 8:30 के करीब, और अब जो है खाना खाने का भी समय हो चुका है सभी का। तो चलते हैं सीधा।
खरीदारी तो हो गई जी सारी और आ गए अपने घर। उसे कल जो आधी खरीदारी हो चुकी थी, बाकी खरीदारी आज हुई है। टीवी वहाँ चल रहा है, ऐसा करते हैं उसको म्यूट कर देते हैं वरना कॉपीराइट आ जाएगा। चलिए जी म्यूट कर दिया टीवी को। और अभी जो मौसम देख रहे हैं, अभी बारिश से थोड़ी राहत है, उम्मीद करते हैं इसी तरह से राहत मिलते रहे। वैसे जब बारिश नहीं होती है तब होती है गर्मी से परेशानी, लेकिन जब बारिश होने लग जाती है तो इतनी ज्यादा बारिश होने लगती है कि बारिश से ही परेशानी होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर क्रियांश जो है मजे में जगा हुआ है, सुला करके छत पर से लाए थे, रात के 11 बज रहे हैं और इसे मेरे ओढ़नी से खेलना है। बिल्कुल हाँ, खेलना है इस समय, ओढ़नी दे दो इसको, वही ढूंढ रहा है। ऐसे खेलता है कैसे पता है, ऐसे ले लेगा अपने अपने झात झात करता है। अब ये कैमरा आ गया ना सामने, इसलिए टीवी बंद कर दिया है। मोबाइल में कितना सा छुप के रिकॉर्ड किया, बड़ा था बेटा, छोटा ओढ़नी हो गया क्या, ओढ़ने जाइए, मुँह ढक लेना है कैमरा से क्या। सुतो, बहुत हो गया, सुतो। आगे नीनी आया, सुतो। राजकुमार है ना, कोई लक्षण नहीं सोने, सो जाइए ना राजा। थक गए बेटा, सो जाइए ना। इसको एकदम छत पर जो टहला के सुला के लाए, सारा मेहनत बर्बाद कर दिया एक घंटा में, दो मिनट में फुश। सो जाइए ना राजा। मजा आता है ना बेटा, बहुत मजा आता है ना, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है ना। रात के 11:30 बज रहे हैं और इसको मस्ती सूझी है, अभी मस्ती सूझी है इसको, मम्मा के साथ खेलना है इसको। अब पापा की बारी है ना। पापा के साथ मस्ती हो गया ना बेटा, अब सो जाइए राजा, राजा सो जाइए। सेठ जी, सेठ जी को देख सकते हैं, सेठ जी को, मेरा बेटा सेठ जी है, अब सुला दीजिए इसको, समझे कि नहीं। सोएगा तब नहीं, सोएगा कैसे नहीं, इसको सुलाइए, और कोई काम ना आएगी ना सुबह। इसको खेलना है, खेलना है बाबू, खेलना है, बोल रहा है खेलना है। इसमें पीटेंगे तो इच्छा पीटेंगे, देखिए टांग से उठा रहा है, देख रहे हैं ना, आए थे, आए देख, इसे ससुरे जा रहा है, ससुरे जा रहा है। The next day, क्रियांश यहाँ पर जो है हो गया है तैयार, पर आज इसको वैक्सीन लगना है। मौसम तो आज भी खराब है, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से इसको लेके जाया जाए और वैक्सीन लग जाए, पर आज भी रह जाएगा ये। पानी धान की कृपा होगी तो सब कुछ ठीक ही रहेगा। बाबा बोला के, बाबा बोला मर पोता पर दया बने ने राखिया, संसार में सब पर दया बने हम हारे, साथ हमरो राखबे बाबा। हे त्रिपुरारी त्रिलोकीनाथ, भगवान शिव मैया पार्वती, हर पल हमर प्रणाम स्वीकार करो, दया के भीख मांगे छी महादेव, सब ल मांगे छी, साथ हमरो राख, हे उमापति महादेव भगवान शिव। 1 hour later, खाएगा किसका खाएगा पकौड़ा बताओ। तो यहाँ पर बात चल रही है पकौड़े की, और बाबू जो है वैक्सीन लगवा करके आ गया है, अभी तक तो खेल रहा है मजे में, है ना, अभी तक तो मजे में खेल रहा है, लेकिन जिस समय याद आएगी वैक्सीन की बात, फिर यह जोर से रोएगा। पूरा रास्ता रो रो करके आया है, और इसको चुप करने के लिए जो है हमको बार बार बाइक का हॉर्न बजाना पड़ता था, जैसे ही हॉर्न बजता था यह चुप हो जाता था, थोड़ा सा ध्यान भटक जाता था। बाबा कैसे करते हैं जी। तो इसका जो ड्रेस अभी चेंज भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह अभी जो है खेलने के मूड में है, और इसका ड्रेस जैसे हटाएंगे, यहाँ पर वैक्सीन लगा है, यहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा हुआ है, तो दर्द करेगा। वैक्सीन लगा है ना बेटू, बोल दो मौसी जी को थैंक यू इतना प्यारा ड्रेस देने के लिए, मौसी जी बोलो जल्दी से। इसकी मौसी बार बार कहती थी पहनाएगी कब, जब छोटा हो जाएगा तब पहनाएगी। कोई बात नहीं, अब पहन लिया, और ऊपर से एकदम खास दिन पहना है जिस दिन वैक्सीन लगना था, और आज इसका मंथ भी कम्प्लीट हो गया ना, ये भी खास दिन, फोर्थ मंथ बर्थडे पर मौसी का दिया हुआ गिफ्ट। चलते हैं अब जल्दी से जाकर के, हम भी स्नान कर लेते हैं, और जितिया का नहाए खाए भी है आज, उसका भी देखना है आगे क्या करना है, नहीं करना है। थोड़ा बहुत आज बहुत कुछ बनने वाला था, लेकिन इसको जो इंजेक्शन लगा ना, इस चक्कर में कुछ नहीं बन पाया, पकौड़ी उकौड़ी बनता, बहुत सारे पकवान बनते, कोई बात नहीं। आदित्या का पहला दिन है नहाय घर, यही से शुरुआत की जाती है। आज अभी हम अपने कुल देवता और अपना जितना है मेरे पूर्वज हैं, तो शहर है यहाँ, तो गांव या नहीं है, या गंगा किनारे हम लोग का घर नहीं है, तो छोटा सा जगह है, इसमें भगवान का नाम हम लोग लेते हैं। अच्छा, अगर कहीं कमी बेसी हो गया तो सब कुछ माँ करेंगे। यहाँ से शुरुआत की जाती है जितिया का, आज हम लोग तेल खली सिंदूर भगवान को और अपने पूर्वज को चढ़ाए, उनसे आशीर्वाद मांगे बच्चों के लिए, अपना स्वागत।
तेल खली सिंदूर है इसी में अजीनी के पत्ता पर। अच्छा झिंगली के पत्ता पर, फिर इसको क्या किया जाएगा? जहाँ कोई पवित्र जगह है वहाँ पर इसको रख दिया जाएगा। अब दूसरी पारी हम लोग जितिया का शुरू करेंगे, जहाँ हम अपने भगवान को, अपने कुल देवता को और अपने पूर्वज को, सभी को हम लोग मिठाई या दही चूड़ा प्रसाद चढ़ाएंगे। मम्मी का पूजा हो गया पूरा, अब उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ चढ़ा रही है, यहाँ नजर आ रहा है चूड़ा। चढ़ाए अपना भोला बाबा माता पार्वती को, जीवित महान कुल देवता, इसमें अपने माँ और हमें अपने दादी को। अच्छा। इसमें चढ़ाए हैं अपना सास और ददिया सास। ओके। जहाँ गलती सही जो होगा माफ करेंगे। हाँ दीदी दही ले लो। बड़का अंगूठा लो, ये स्कूल का आदमी नहीं खाएगा, दादी कुल का है। उधर का हम लोग खाएंगे। हाँ ये लोग सब ये पड़गोत्री खाएंगे। ठीक है। तो स्कूल का नहीं है, या तो सवासिन का बच्चा या कोई अपना दोस्त वही जो भी है। ठीक है, घर का जल्दी से हमारे तरफ लाया था। कन्हा का उसी मिला, जिसमें कन्हा का सब एक साथ ले लिया।